एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टेक ग्रीप। आज वाली इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे हाउ टू डिलीट YouTube एक्टिविटी हिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस, जिस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप YouTube यूजर हैं और आप YouTube पर कोई भी मूवीज या फिर सॉन्ग सर्च करते हैं, लेकिन गाइस जो भी सॉन्ग है या फिर मूवीज है जो आपने सर्च की थी, वो आपकी एक्टिविटी हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाती है। लेकिन गाइस, अगर आप नहीं जानते कि आप अपनी एक्टिविटी हिस्ट्री को YouTube पर किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, तो आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बता देते हैं किस प्रकार आप यूट्यूब की एक्टिविटी हिस्ट्री को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपनी एक्टिविटी हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको अपने YouTube वाला जो ये एप्लीकेशन है, इस पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ जो आपका प्रोफाइल पिक है, इस पर टैप करना होगा, जिसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गाइज आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 7 से 8 ऑप्शन दिखेंगे। ऊपर दिखेगा क्लियर वॉच हिस्ट्री, क्लियर सर्च हिस्ट्री, और नीचे ही गाइज आपको एक और ऑप्शन ढूंढ लेना है, मैनेज ऑल एक्टिविटी। यहाँ पर गाइज आप पढ़ सकते हैं रिव्यू एंड डिलीट आइटम्स इन योर हिस्ट्री। तो गाइज हमें मैनेज ऑल एक्टिविटी पर टैप कर देना है। जैसे ही हम इस पर टैप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से गाइज आपको जो आपकी ईमेल आईडी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमें गूगल अकाउंट की ओर रिडायरेक्ट कर देगा। तो हमें यहाँ पर कुछ समय का इंतजार कर लेना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ ऊपर ही आप देख सकते हैं यूट्यूब हिस्ट्री। आप नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों आपने पास्ट में कौन सी वीडियो को सर्च किया था। अभी आप देख सकते हैं 5:51 पर मैंने इस वीडियो को सर्च किया था, 5:50 पर मैंने इस वीडियो को देखा है। तो गाइज कुछ इस तरह से जो आपकी हिस्ट्री है एक्टिविटी वाली, वो यहाँ पर आ जाती है। अब बात होती है कि आप इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो गाइज आपको यहीं पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिलीट, जो ब्लू कलर के अंदर है, राइट साइड के अंदर आपको इस पर टैप कर देना है, डिलीट टुडे। अगर आप आज की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो गाइज आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिलीट कस्टम रेंज, तो गाइज आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से गाइज आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर की, और यहाँ से नेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद इस एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिलीट ऑल टाइम, तो गाइज आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से गाइज आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से गाइज जो आपकी डिलीशन एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से दोस्तों आप अपनी यूट्यूब एक्टिविटी हिस्ट्री को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होगी। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।